हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए स्क्वायर इंटू टू ए की पावर 22 इंटू 4 ए की पावर 26। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वन मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ गया वन इंटू ए की पावर 22 के मल्टीप्लाई में क्या है, टू है। इंटू ए की पावर 26 के मल्टीप्लाई में क्या है, फोर है, ठीक है। फिर वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए की पावर 22 इंटू ए की पावर 26, ठीक है। अब देखो वन इंटू टू टू, टू इंटू फोर एट। यहाँ पे देखो बेस सबका सेम है, यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी बेस ए है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करेंगे, एड कर देंगे। तो बेस तो क्या है, ए है, पावर्स को एड कर दो। यहाँ पे कितनी है पावर, टू प्लस यहाँ पे 22 प्लस यहाँ पे 26, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, एट ए टू प्लस 22 24, 24 प्लस 26 50। तो ए की पावर कितनी आ जाएगी, 50। आंसर क्या आएगा, 8 ए की पावर 50, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या, देखो 2/3 एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ठीक है। कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो पहले। कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे माइनस का 9/10। फिर वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू माइनस का 9 माइनस का 18 अपॉन 3 इंटू 10 30, ठीक है। फिर यहां पे देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर, ये y और ये y स्क्वायर। अब देखो ये अपने 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में क्या आएगा, 5 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई की पावर 3, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, माइनस का 10 अपॉन 3 पी क्यू की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 अपॉन 5 पी की पावर 3 क्यू से, ठीक है। पहले कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पे माइनस का 10 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे क्या है, 6 अपॉन 5। फिर वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे, पी क्यू की पावर 3 इंटू पी की पावर 3 क्यू, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, देखो माइनस का 10 इंटू 6 माइनस का 60, 3 इंटू 5 15, ठीक है। फिर पी इंटू पी की पावर 3, पी इंटू पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3 इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 15 की टेबल से, 15 वन जा 15, 15 फोर जा 60, तो ऊपर कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। पी इंटू पी की पावर 3, पी की पावर 4, क्यू की पावर 3 इंटू क्यू, क्यू की पावर 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, सबका बेस क्या है, x है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। तो बेस तो क्या आ जाएगा, x और पावर्स क्या आएगी, यहाँ पे पावर कितनी है 1 प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, x 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो x की पावर 10 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, सिंप्लीफाई 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 1 अपॉन
टू के लिए। तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 4x से, 3x इंटू 4x, ठीक है। फिर यहां पे साइन किसका, माइनस का। फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, 3x इंटू 5, ठीक है। यानी कि ये क्या अपना मोनोमियल है, ये अपना क्या है बाइनोमियल है, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस का साइन, फिर 3, ठीक है। फिर देखो 3 इंटू 4 12, x इंटू x एक्स स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, 3 इंटू 5 15, फिर x। फिर प्लस का साइन और 3 लिख दो, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 3 के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो अपने पास में आंसर क्या है, 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 3 है। क्या करना है, x इक्वल टू 3 लिख दो, तो x इक्वल टू अपन 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे x स्क्वायर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी देख के 3, यहाँ पे 3 लिख दो और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। फिर माइनस का साइन 15, x की वैल्यू कितनी देर किया 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 इंटू 3 45 प्लस 3, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 9 108 माइनस 45 प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं, 108 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो दोनों को प्लस कर दो, 108 प्लस 3 111, फिर यहाँ पे माइनस का 45, 111 में से माइनस कर दो 45 को, तो देखो 11 में से 5 गया 6, फिर 10 में से 4 गया 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 66 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 66। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, x इक्वल टू 1 अपॉन 2 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। आंसर क्या आया था अपने पास में, 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 3, x इक्वल टू 1 अपॉन 2 पुट कर दो, 12 की जगह 12 इंटू x स्क्वायर है तो यानी कि 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 इंटू x की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, 12 की जगह 12 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 इंटू 1 15 अपॉन 2 प्लस 3। देखो सोल्व करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या गया 3 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, ये 3 प्लस का, ये भी प्लस का, 3 प्लस 3 6, ये माइनस का माइनस 15 अपॉन 2, सोल्व कर दो। यहां पे नीचे 1 मान सकते हैं अपन, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितने टाइम होगा, 2 टाइम है, 2 इंटू 6 12 माइनस 2 को डिवाइड करो 2 से, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 इंटू 15 15 इक्वल टू, देखो 12 माइनस 15 माइनस का 3 अपॉन 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2 के लिए आंसर कितना आएगा, माइनस का 3 अपॉन 2। एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, सिंप्लीफाई a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है आपको, फिर एंड इट्स वैल्यू फॉर a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू माइनस का 1, यानी a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू माइनस के 1 के लिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। जैसा अपने a पार्ट किया था सेम वैसा का वैसा प्रोसेस इसमें रहेगा। तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन
सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस का फाइव, ठीक है। ये अपना मोनोमियल है, ये अपना ट्राइनोमियल है, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे क्या है ए, इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले ए स्क्वायर से, ठीक है। इसका साइन है बीच में प्लस का, तो प्लस लगा दो, फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो ए से, ए इंटू ए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, ए को मल्टीप्लाई कर दो वन से, ए इंटू वन, फिर प्लस का साइन है और फाइव है तो फाइव लिख दो, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर ए की पावर थ्री, फिर प्लस ए इंटू ए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए इंटू वन ए, फिर प्लस का साइन, फिर फाइव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया, अब आपको इसका फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका फोर ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। आंसर क्या आया था अपने पास में, ए की पावर थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फाइव, कुछ भी नहीं करना, जहां पे आपको ए दिख रहा है वहां पे जीरो पुट कर दो। तो देखो ए यहां पे कितना है जीरो, तो जीरो लिख दो, पावर कितनी है थ्री, प्लस यहां पे ए की वैल्यू जीरो स्क्वायर लगा दो, प्लस ए की वैल्यू जीरो प्लस फाइव, ठीक है। जीरो की पावर थ्री जीरो ही होगा, प्लस जीरो की पावर स्क्वायर जीरो ही होगा, प्लस जीरो प्लस फाइव, ठीक है। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस फाइव इक्वल टू फाइव, तो आंसर कितना जाएगा फाइव। तो फर्स्ट पार्ट जो अपना ए इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी फाइव होगी, ठीक है। अब अपन फाइंड करेंगे फॉर ए इक्वल टू वन के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, जो सेकंड पार्ट है ए इक्वल टू वन इसके लिए अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आंसर क्या अपना ए की पावर थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फाइव, ठीक है। जहां पे भी आपको ए दिख रहा है वहां पे वन पुट कर दो, यहां पे ए की पावर थ्री है तो वन की पावर थ्री हो जाएगा, प्लस यहां पे ए की पावर स्क्वायर है तो वन का पावर स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव, ठीक है। वन की पावर थ्री वन ही होगा, प्लस वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस वन प्लस फाइव इक्वल टू वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस फाइव एट, तो आंसर कितना देगा एट। तो ए इक्वल टू वन के लिए क्या वैल्यू रहेगी अपनी एट रहेगी, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड फोर ए इक्वल टू माइनस का वन, ए इक्वल टू माइनस का वन के लिए अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। आंसर क्या अपना ए की पावर थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फाइव, ठीक है। जहां पे भी आपको ए दिख रहा है वहां पे माइनस का वन पुट कर दो, तो देखो माइनस का वन का क्यूब प्लस माइनस का वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो माइनस वन का क्यूब है, इसका मतलब हो गया माइनस वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन इंटू वन वन, तो प्लस का वन हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और वन इंटू वन वन, तो क्या आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा, फिर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस वन इंटू वन वन, तो क्या देगा प्लस का वन, फिर यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस वन, फिर प्लस का फाइव, ठीक है। देखो प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वन बचेगा, यहां पे प्लस का फाइव बचेगा, ठीक है। माइनस वन प्लस फाइव प्लस का फोर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू माइनस वन के लिए वैल्यू क्या आएगी फोर आएगी, ठीक है।